कोरोना वायरस का जिक्र आजकल हर किसी की जुबान पर है। चीन के वुहान शहर से शुरू हुए इस वायरस ने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है। इस बीमारी की भयावहता आप इस बात से समझ सकते हैं कि अब तक दुनिया भर में इस वायरस के कारण करीब 200 लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे देश के केरल राज्य में भी इस वायरस से पीड़ित मरीज का केस सामने आया है। हालांकि किसी भी तरह की बीमारी से डरना उसका समाधान नहीं है। जरूरी है कि हम सावधानी बरतें और अपनी लाइफ पर इफेक्ट ना होने दें। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये खतरनाक वायरस कहां से और क्यों शुरू हुआ। तो आपको बता दें कि कोरोना वायरस कुछ खास प्रजातियों के जानवरों में पाया जाने वाला वायरस है। इनमें सांप और चमगादड़ जैसे जीव शामिल हैं। जब ये वायरस इंसानों में पहुंचा तो इसने अपने आप को इस तरह विकसित कर लिया कि ये इंसानों में भी सर्वाइव कर पाए, यानी इंसानी शरीर में भी ठीक तरीके से पनप सके। इसका यही बदला हुआ स्वरूप मेडिकल एक्सपर्ट्स के सामने चैलेंज बना हुआ है। अब हमारे दिमाग में सवाल उठना बेहद लाजमी है कि आखिर जानवरों का ये वायरस इंसानों में कैसे पहुंच गया। तो आपको बता दें कि चीन में सांप और चमगादड़ जैसे उन जीवों को बहुत ही चाव के साथ खाया जाता है, जिन्हें अन्य देशों के लोग खाना या उनका सूप पीना कम ही पसंद करते होंगे। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन में और तेजी से वहाँ के कई शहरों में फैलने की यही खास वजह बताई जा रही है। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना वायरस के इतनी तेजी से फैलने की वजह इसका संक्रमण हो सकता है। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस हवा, नमी और सांस के जरिए इंसान से इंसान में ट्रांसफर हो रहा है। इसके तेजी से फैलने की एक बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि लोग अधपके और कच्चे मांस का सेवन भी करते हैं, जो इसके संचार का माध्यम हो सकता है। वहीं सी फूड दुनिया भर में पसंद किया जा सकता है, जो इस वायरस को फैलने और ग्रोथ करने में मदद कर रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना वायरस सार्स और मर्स वायरस की फैमिली से आता है। संभावना जताई जा रही है कि ये इन्हीं वायरसों की तरह मानव जाति के लिए बड़े स्तर पर घातक और जानलेवा साबित हो सकता है। कोरोना वायरस अगर गाय, भैंस या सुअर जैसे जानवरों में हो तो उन्हें डायरिया से बीमार कर सकता है, जबकि मुर्गियों में कोरोना के कारण सांस से संबंधित बीमारी हो सकती है। ये बात आपको यहाँ इसलिए बताई जा रही है ताकि आप भी किसी बीमार जानवर का मीट खाने से बच सकें। इसी कारण हेल्थ एक्सपर्ट्स भी सी फूड और सही तरीके से ना पकाया गया मीट खाने के लिए मना कर रहे हैं, ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके।